हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द करंट अफेयर शो बेस्ड ऑन द हिंदू। और मेरा नाम है कुश पांडे, आप देख रहे हैं हमारे सेशन को। एंड सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए उसको। एंड जिनका मूड ख़राब चल रहा है, पीछे की ये वादी पीछे की देख लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स हैव अ कोट अगैन फ्रॉम अ बुक दैट आई एम रीडिंग। ये बुक अभी ख़त्म नहीं हुई है, ये बुक 100 पेज की है, 100-150 पेज की, बट स्टिल इट्स नॉट फिनिश्ड। ये रहा आपके सामने बुक का कोटेशन। The wise warrior avoids the battle. कभी भी किसी से भी बहस ना करें। बहस वही करेगा जो बेवकूफ़ है, और जो बेवकूफ़ नहीं है वो आपका आपसे बहस नहीं करेगा। So avoid any sort of argument with anyone. क्योंकि जो बहस करता है वो बेवकूफ़ होता है, ये बात याद रखिएगा। चलो लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड ले चलें आपको हमारे आज के फर्स्ट हेडलाइन पर, जो कि ये रहा आपके सामने। दोस्तों ये एक इमेज है। नाउ दिस इज़ एन इमेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। येस्टरडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट द नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मूविया। उसी तर्ज पर ये एक इमेज है विच इज़ समथिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि झारखंड ने दोस्तों बैन किया है। सो आइए एक बार दिखाते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या। झारखंड हैज़ बैंड द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। इट इज़ एन NGO which has been accused of terrorism activities, and इसको ban कर दिया गया। और जिस act का इस्तेमाल किया गया for banning this particular organization is the Criminal Law Act of 1908. इसके तहत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को दोस्तों बैन कर दिया गया है। नाउ गाइस, अगर हम बात करें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की, तो इट वाज फाउंडेड इन 2006 में इसको फाउंड किया गया था। न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, एंड द करंट चेयरमैन ऑफ द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इज़ जनाब ई अबू बकैर। अगर हम इसी स्टेट्स के जीके की बात करें, बिकॉज अगैन झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड ने अभी न्यूज़ में है बिकॉज इट हैज़ बैंड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। तो द कैपिटल ऑफ झारखंड इज़ रांची, द गवर्नर इज़ द्रौपदी मुर्मू, द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड इज़ रघुबर दास। इट वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार इन 2000. इट शेयर्स बॉर्डर्स विद बिहार, UP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। जो नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर वो हैं आपके 24. नेशनल पार्क्स की बात करें तो बेटला है, पालामाऊ टाइगर रिजर्व है। इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, वी हैव चिंद, वी हैव अनराज, चिंदा एंड अनराज इंपॉर्टेंट डैम्स हैं वहाँ पर। रिवर्स में दामोदर, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी प्रिवलेंट रिवर इन वेस्ट बंगाल, वो भी यहाँ बहती है। देन वी हैव सांख, एंड देन वी हैव नॉर्थ कोयल, जो कि ये तीन रिवर्स यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट तीन रिवर्स में से एक हैं। लेक्स की बात करें, लेक्स में रांची लेक है एंड तोप चंची लेक है, दो लेक वहाँ पर काफ़ी फेमस हैं। एयरपोर्ट्स में वी हैव बिरसा मुंडा एयरपोर्ट विच इज़ इन ऑफकोर्स रांची, एंड देन वी हैव जमशेदपुर एयरपोर्ट जिसका नाम सुनारी एयरपोर्ट है। जमशेदपुर इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट सिटी ऑफ झारखंड, वहाँ पर आपका सुनारी एयरपोर्ट पड़ता है। क्लियर हो गया, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। वन एक सवाल आया फ्रॉम पूर्वी, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड बैनिंग इट। वेल इट्स अ सिंपल आंसर, दे आर इन्वॉल्व अगेंस्ट इंडिया activities, they have been accused of terrorism activities, इस वजह से इसको झारखंड के अंदर ban कर दिया गया, कोई और इसमें कारण नहीं है। जो लोग लेट आए हैं मैं बता दूं, अभी हमने फर्स्ट हेडलाइन ही डिस्कस की है, तो जो भी फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे के हेल्प कर लें कि ये फर्स्ट हेडलाइन डिस्कस हुई है। अब हम सेकेंड हेडलाइन पर जा रहे हैं, एंड वो ये रही अब आपके सामने। दोस्तों एनी आइडिया व्हाट दिस राइफल इज़ कॉल्ड, ये किस पर्टिकुलर टाइप की राइफल है। वेल दिस राइफल इज़ कॉल्ड एज एन असॉल्ट राइफल, जहाँ से जिसकी मैगजीन और कार्ट्रिज दोनों को आप डिटैच कर सकते हैं। विच कैन वर्क एज अ फुली ऑटोमेटिक राइफल और अ सेमी ऑटोमेटिक राइफल। सो एनी राइफल विच हैज़ अ डिटैचेबल मैगजीन, विच हैज़ अ डिटैचेबल कार्ट्रिज, अगर ऐसा पॉसिबल है किसी भी एक राइफल के अंदर, माफ़ करना, तो दैट राइफल इज़ कॉल्ड एज एन असॉल्ट राइफल।
ऑल राइट, एंड असॉल्ट राइफल के बारे में इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया हैज़ इंक्ड एन MOU विद अ सर्टन कंट्री टू ऑर्डर असॉल्ट राइफल्स. इंडिया ने ऑर्डर किए हैं बाहर से कुछ असॉल्ट राइफल्स फॉर ऑल दी फोर्सेज, फॉर द इंडियन आर्मी, नेवी एंड ऑल्सो द एयरफोर्स. तो ज़रा एक बार दिखाते हैं आपको, ये रहा. इंडिया इंक्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 72,000 असॉल्ट राइफल्स एंड दिस हैज़ बीन डन विद अ US फर्म. उस US फर्म का नाम मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ. द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म इज सिक सॉयर. इनके साथ दोस्तों ये अग्रीमेंट हुआ है एंड दिस अग्रीमेंट इज़ फॉर 72,400 असॉल्ट राइफल्स एंड ये राइफल्स विल बी यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी. इस इनमें से 66,400 आर मेंट फॉर द आर्मी, 2,000 आर मेंट फॉर द नेवी एंड 4,000 आर मेंट फॉर द इंडियन एयरफोर्स. ये जो राइफल्स हैं इनका जो एक इफेक्टिव रेंज है दैट इज़ 500 meters एंड द वेट ऑफ दिस राइफल्स इज लेस दैन 3 kgs एंड इन द लॉन्गर रन दे विल रिप्लेस इंसास राइफल जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम राइफल्स, उनको आगे चलकर ये आपका रिप्लेस कर देंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनके लिए भी एक डील हुआ है एंड वो हेलीकॉप्टर्स डील भी इंडिया ने फाइनलाइज कर दी है. तो आइए एक बार दिखाते हैं आपको इसी का द बेसिक पॉइंट्स, ये रहे आपके सामने. एन असॉल्ट राइफल इज़ अ राइफल दैट यूजेज एन इंटरमीडिएट कार्ट्रिज, अ डिटैचेबल मैगजीन एंड कैन स्विच बिटवीन सेमी ऑटोमेटिक एंड फुली ऑटोमेटिक फायर. मतलब इसमें दोनों तरह के फंक्शंस होते हैं, या तो आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन गन का यूज़ कर सकते हो या इसको फुली ऑटोमेटिक मशीन गन का भी यूज़ की तरह कर सकते हो. ये मिसाइल्स जो ये सॉरी बार बार मिसाइल का नाम है, ये जो आपकी राइफल्स हैं, दीज राइफल्स विल रिप्लेस द इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम या इंसास राइफल्स को ये रिप्लेस कर देंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस डिफेंस मिनिस्ट्री है, दे हैव ऑल्सो इशूड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. जो लोग नहीं जानते हैं व्हाट इज़ EOI, देखिए EOI इज व्हेन एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी कंपनी एक्सप्रेसेस इन रिटन इट्स इंटरेस्ट ऑफ बाइंग समथिंग. अगेन रिपीट, अगर कोई कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है जब वो लिखित में ये डिटेल में लिखे कि भाई वो चाहती है कोई चीज़ को खरीदना, इट वॉन्ट्स टू एक्चुअली बाय समथिंग, दैट रिटन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. तो ये आपका सरकार ने जारी किया है एंड इसके लिए वो 111 यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स जो है नेवी के लिए उनके लिए जारी किया है एंड इसके लिए एक इंडियन प्राइवेट कंपनी को चूज़ किया जाएगा जिसे एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो कि बाहर का होगा. फॉर एग्जांपल इट कैन बी एनी इट कैन बी रफाल, इट कैन बी एनीवन जो कि फॉरेन हेलीकॉप्टर कंपनी है, फॉरेन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी, उसके साथ टाइप किया जाएगा एंड दिस विल बी द फर्स्ट सच इनिशिएटिव जहाँ पर कि इन कॉप्टर्स को ऐसे बनाया जाएगा जहाँ पर एक इंडियन प्राइवेट कंपनी अलॉन्ग विद एन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर उनके साथ ये किया जाएगा. ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं दे विल रिप्लेस दी चेतक हेलीकॉप्टर फ्लीट जो कि इंडिया ऑलरेडी कर रहा है, उसको ये एक तरह से उसे रिप्लेस कर देंगे. नाउ गाइस थोड़ी सी आवाज़ आपको आ रही होगी उसको अवॉइड कीजिएगा बिकॉज वो आवाज़ काम की हो रही है, वो आवाज़ सही कर दी जाएगी नंबर वन. एंड नंबर टू मैं फिर से रिपीट कर दूँ आपके लिए जो लोग पूछ रहे हैं पुनीत सर कहाँ हैं, अरुण सर कहाँ, विशाल सर कहाँ हैं. देखिए ऑफिशियली जब अपडेट करना होगा वी विल अपडेट यू. अगर आपको R247 अच्छा लगता है आप शोज़ देखिए, सवाल जो आप पूछते हैं बार बार ये लोग कहाँ हैं, इन चीज़ों पे हम ऑफिशियली मैं आंसर नहीं कर सकता, ऑफिशियली हम आपको इसका आंसर्स प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है, ऑल राइट, ओके, लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस जो कि ये रही आपके सामने. इंटरनेट शट एस्टर अगेंस्ट सिटीजनशिप बिल इंटेंसिफाइज इन मणिपुर. नाउ नॉट इन मणिपुर ओनली, देर आर स्टेट्स लाइक नागालैंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, इन ऑल दी स्टेट्स जो एक नागरिकता का विधेयक है, द सिटीजनशिप बिल जो है उसको लेकर अपोज किया जा रहा है. नाउ लेट मी जस्ट गिव यू द एग्जैक्ट बिल. द बिल नेम इज़ सिटीजनशिप बिल ऑफ 2016, 2016 का जो आपका सिटीजनशिप बिल है उसको लेकर यहाँ पर एक बहस छिड़ी है. पीपल आर कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स, दे आर ट्राइंग टू स्टॉप दिस बिल बाय टू एक्चुअली पास. तो उसको लेकर ये एक स्टर आपका मणिपुर में हो रहा है. नाउ गाइस मैं डिस्कस नहीं करूँगा मणिपुर के बारे में, बट आई डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट बिल्स जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, UPSC, SSC और बैंक में तो ज़रूर आते हैं. वो ये है आपका, इसकी बात कर लेते हैं. तो ये रहा आपके सामने इसका डिस्कशन.
The Citizenship Bill 2016 seeks to allow illegal migrants from certain minorities in countries like Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, जो भारतीय नागरिकता के एलिजिबल हैं. तो ऐसे आपके इलीगल लोग जो कि अल्पसंख्यक समाज से आए हैं, फॉर एग्जांपल हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इन कम्युनिटीज़ में जो लोग रहते थे अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अगर वो इंडिया इलीगली आए हैं तो उनको इंडिया अलाउ करेगा. एंड इंडिया ने ये भी कहा है कि इफ़ दे स्टे इन इंडिया फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 ईयर्स, अगर वो इंडिया में 6 साल के लिए भी स्टे करते हैं, दे विल बी ग्रांटेड इन सिटीजनशिप. जनरली द सिटीजनशिप इज़ ग्रांटेड फॉर एटलीस्ट 11 ईयर्स ऑफ लिविंग. पहले जो अभी एक एक फॉर्मेट है उसमें यह है कि 11 ईयर्स तक अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ही आपको नागरिकता मिलेगी. बट अकॉर्डिंग टू द इंडियन गवर्नमेंट, इफ दिस बिल पासिस, देन एनी इलीगल माइग्रेंट हु बिलोंग्स टू दीज कम्युनिटीज लाइक हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियन, उनको अलाउ कर दिया जाएगा 6 साल के अंदर एक इंडियन सिटीजन बनने के लिए. इस बिल के अंदर दे हैव नॉट अलाउड इलीगल मुस्लिम माइग्रेंट्स, उनको इस बिल में अलाउ नहीं किया गया है. नाउ दी स्टेट जो कि सबसे ज़्यादा इसको अपोज कर रहा है, दैट इज असम. असम इज अपोजिंग इट बिकॉज अकॉर्डिंग टू द असमीज इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द असम अकॉर्ड ऑफ 85, जहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि एनी इलीगल माइग्रेंट हेडिंग फ्रॉम बांग्लादेश आफ्टर March 25, 1971 वुड बी डिपोर्टेड, जहाँ पर साफ तौर पर कहा गया है ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बांग्लादेश से इंडिया आया 25 March 1971 के बाद उसे वापस भेज दिया जाएगा. उसके खिलाफ उसके उसको एक तरह से अपोज कर रहा है दिस न्यू सिटीजनशिप बिल ऑफ 2016. लोग पूछ रहे होंगे सर इसका हिंदी कहाँ है, तो इसका हिंदी दोस्तों ये रहा, आपके सामने देख सकते हैं. इस बिल का हिंदी में नाम है नागरिकता संशोधन विधेयक, दैट इज द नेम ऑफ दिस बिल विच इज बींग अपोज्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. असम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट विच इज अपोजिंग दिस पर्टिकुलर बिल. इफ दिस इज क्लियर गाइज प्लीज कमेंट कर दीजिएगा 1 और 1 स्टार सो दैट वी कैन प्रोसीड. बाकी मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, अगर आपको ये शो बहुत अच्छा लगता है तो और लोगों से शेयर कीजिए एंड वीडियो को सबके सब लाइक करना सबको बनता है. चलो आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको हमारी अगली खबर पे जो कि ये रही आपके सामने. दोस्तों देयर इज एन ऐप एंड दैट ऐप इज कॉल्ड एज टिकटॉक. ऑल राइट, एंड टिकटॉक ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा एक तरह से आपका न्यूज़ में भी है. द रीज़न वाई बिकॉज टिकटॉक पे इट हैज़ बिकम अ नेशन वाइड रेज. देर आर टू गेम्स, टिकटॉक एंड पबजी. एंड आई एम प्रिटी सर्टन दैट आप में से कई लोग पबजी भी खेलते हैं एंड टिकटॉक भी खेलते हैं. तो उनसे भी मेरा कहना है डू नॉट प्ले इट अलॉट एंड इफ पॉसिबल डू नॉट बी ऑन दीज साइट्स बिकॉज दीज साइट्स आर बेसिकली समथिंग विच आर टाइम वेस्टिंग्स टाइम वेस्टेज फॉर एवरी वन. सो अकॉर्डिंग टू अ मिनिस्टर इन तमिलनाडु दे हैव प्रोमिस टू गेट टिकटॉक बैन. टिकटॉक को बैन करने की यहाँ पर बात की गई है. नाउ गाइस टिकटॉक की बात कर लेते हैं बिकॉज टिकटॉक न्यूज़ में है. देखो मेरा काम है न्यूज़ से क्वेश्चन निकालना. ऑल राइट, सो द न्यूज़ इज़ वेरी सिंपल दैट द सिटिंग MPs इन तमिलनाडु दे हैव प्रोमिस दैट दे विल बैन टिकटॉक इन तमिलनाडु. बट सिंस टिकटॉक इज़ अ नेशन वाइड वर्ल्ड वाइड फिनोमिना वी हैव टू डिस्कस इट. टिकटॉक इज़ ऑल्सो नोन एज डोइन. इसका पहले नाम था musical.ly. इट इज़ एन मीडिया ऐप विच वॉज क्रिएटेड इन चाइना एंड द USP ऑफ दिस पर्टिकुलर ऐप टू बेसिकली क्रिएट एंड शेयर शॉर्ट वीडियो. ये शॉर्ट वीडियोज़ को और जो आपके शॉर्ट वीडियोज़ को ये क्रिएट कर सकते हैं, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं. इनिशियली इट वॉज रिलीज इन 2016. इसको ओन किया था बाय ByteDance विच इज़ अगेन IT फर्म इन चाइना. एंड 2018 में इट इज़ नाउ अवेलेबल इन 150 कंट्रीज एंड इन 75 लैंग्वेजेस. इन दिस पर्टिकुलर ऐप द यूजर्स कैन क्रिएट शॉर्ट वीडियोज ऑफ 15 सेकेंड्स की वीडियोज को वो यहाँ पर शूट कर सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर ऐप. इसका हिंदी भी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है. क्लियर हो गया. सो एक प्रॉमिस चाहता हूँ मैं आपसे दैट गाइज इफ यू एक्चुअली वॉन्ट टू क्रैक SBI, UPSC और SSC देन प्लीज गाइज अवॉइड दीज थिंग्स. डिलीट दीज ऐप्स. Only have WhatsApp to an extent or Telegram to an extent. Facebook भी मत रखो.
बिकॉज ये चीज़ें आपको हेल्प नहीं करने वाली हैं. लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइज, जो कि ये रही आपके सामने. वेल, आपके सामने दोस्त आप देख सकते हैं, ये मैंने वीज़ाज के एक आपको एक लिंक प्रोवाइड किया है. नाउ गाइज, ये जो लिंक आपके सामने मैंने प्रोवाइड किया है, these links basically focus on this particular visa focus on the both the countries India as well as Maldives. दोनों पे ही आपका ये focus कर रहा है. And the reason why मैं इसको आपके सामने दिखा रहा हूँ, because India and Maldives, वापस स्क्रीन पे आते हैं, India and Maldives, there was a very big issue in terms of visa. Indians were not allowed to visit Maldives. Maldives were not allowed to visit India because of a visa issue that India and Maldives were discussing. तो अब finally काफ़ी हद तक जो India and Maldives का visa issue है उसको resolve कर दिया गया है. Now guys, एक सवाल तो बनेगा यहाँ पर, वापस स्क्रीन पे आ जाएं, दैट विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ नाउ अ सीमलेस वीज़ा अरेंजमेंट और वीज़ा फैसिलिटी अग्रीमेंट, उसका आंसर होगा मालदीव्स. ये तो सवाल बनेगा. उसके अलावा ये देख लेते हैं, इंडिया एंड मालदीव्स ऑन ट्यूजडे दे हैव एक्सचेंज एन अग्रीमेंट जिसके तहत दे विल फैसिलिटेट वीज़ाज फॉर ट्रैवल बिटवीन द टू कंट्रीज इन अ नंबर ऑफ कैटेगरीज. फॉर एग्जाम्पल, नाउ द मालदीवियंस कैन ट्रैवल फॉर टूरिज्म, बिजनेस, एजुकेशन, मेडिकल पर्पसेज, and also the Indian business people can also travel to Maldives without any such big fuss. तो दोनों ही फ्रंट पर जो इंडिया है उसको बेहतरी मिली है, बिकॉज दोनों ही फ्रंट पर इंडिया द इंडियन पीपल दे कैन ट्रैवल एंड देर विल बी नो सच हैसल्स इन मालदीव्स और इन इंडिया इट्सेल्फ. नाउ इसके लिए जो अग्रीमेंट साइन हुआ था, दैट अग्रीमेंट्स नेम इज द वीज़ा फैसिलिटेशन अग्रीमेंट. दिस अग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड विद द प्राइम मिनिस्टर विद द प्रेजिडेंट ऑफ मालदीव्स दैट इज इबू सोलेह, उनके साथ ये आपका अग्रीमेंट दोस्तों साइन हुआ था. नाउ इफ एन इंडियन वॉन्ट्स टू विजिट मालदीव्स देन अ वर्क परमिट विल बी इशूड विद इन 15 डेज टू द इंडियन एम्प्लॉयज एंड जो वीजा फी है उसको भी जो एम्प्लॉयर्स हैं मालदीव्स के वही दोस्तों पे करेंगे. तो आइए एक बार दिखाते हैं आपको इसी का पॉइंटर्स. ये रहे आपके सामने द पॉइंटर्स गाइज. इंडिया मालदीवियंस कैन नाउ विजिट ईच अदर फॉर ऑल टाइप्स ऑफ पर्पसेस. इस अग्रीमेंट का नाम है वीज़ा फैसिलिटेशन अग्रीमेंट. ये अग्रीमेंट पिछले साल दिसंबर में साइन हुआ था बिटवीन द प्रेजिडेंट ऑफ मालदीव्स इबू सोली एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी. सोनी सिंह जी, अगर आप नहीं समझे, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ आपके लिए कि इंडिया मालदीव्स के बीच जो एक वीज़ा अग्रीमेंट था वो फिर से हो गया है एंड उसके तहत नाउ बोथ द कंट्री पीपल कैन ईजिली ट्रैवल. वर्क अगर करना है मालदीव्स में किसी इंडियन को, तो उसके लिए जो वर्क परमिट मिलेगा वो 15 डेज के अंदर इशू कर दिया जाएगा. अगर मालदीव्स की बात करें, मालदीव्स का कैपिटल है माले. द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मालदीव्स इज धिवेही एंड द करेंसी ऑफ मालदीव्स इज रूफिया. ठीक है, ये तीन चीज़ें भी आपको याद करनी पड़ सकती हैं, माले, दिवेही एंड रुफिया. यहाँ तक क्लियर? वापस स्क्रीन पे आते हैं. यहाँ तक क्लियर आपको? एक बार ज़रा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको ये पूरी तरीके से क्लियर है. ये एक इशू था इंडिया मालदीव्स के बीच. लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट हेडलाइन. ओके, तो जो नेक्स्ट हमारी हेडलाइन है दैट इज रिगार्डिंग इन्फ्लेशन गाइस. इन्फ्लेशन में आपके दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं. पहला है आपका CPI एंड सेकेंड जो आपका है वो है आपका IIP. नाउ द CPI विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रिटेल इन्फ्लेशन, उसका भी वो भी आपका अपडेट हो गया है. CPI भी आपका दोस्तों अभी आ गया है एंड जो अभी करेंट CPI है दैट इज़ एट 2.05%. दैट इज द CPI. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द रिटेल इन्फ्लेशन. तो रिटेल इन्फ्लेशन जो आपका है दैट इज एट 2.05%. सिमिलरली जो IIP आपका है दैट इज एट 2.4%, वो भी आपका पहले से कम हो गया है. सो रिटेल इन्फ्लेशन इज 2.05 एंड IIP इज 2.4%. ज़रा अब आगे चलें एंड क्योंकि ये टर्म्स हमारे फाइनेंशियल टर्म्स में आते हैं, तो पहले आइए देख लेते हैं कि आज के पेपर में कौन कौन से आपके फाइनेंशियल टर्म रेलिवेंट हैं. तो दोस्तों ये रहे आपके रेलिवेंट फाइनेंशियल टर्म्स. स्क्रीन पे आ जाएं. वी हैव थ्री टर्म्स टुडे, CPI,
IIP, ये मेंशन है आपका इन द हेडलाइन, रिटेल इन्फ्लेशन कूल्स फर्दर टू 2.05% इन जनवरी, ये मेंशन है पेज नंबर 13 पर. एंड सेकेंड जो आपका है दैट इज़ OFS, जिसका फुल फॉर्म है ऑफर फॉर सेल, जो कि मेंशन है एक्सिस बैंक OFS सब्सक्राइब 2.56 टाइम्स. तो पहले आइए बात करते हैं CPI की. चलिए बात कर लेते हैं CPI की. ओके, CPI का फुल फॉर्म है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. तो इट इज बेसिकली एन इंडेक्स विच मेजर्स द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस used by consumers. Now guys, consumer can be two. For example, Bhola, he bought an injection for dog. All right, then here dog is the consumer and Bhola is the customer. पर बिफोर अप्लाइंग इंजेक्शन टू द डॉग बिट भोला एंड भोला ने खुद को इंजेक्शन लगा लिया, तो भोला इज नाउ द कंज्यूमर. ऑलराइट, तो चाहे जो यूज करेगा उसे हम कंज्यूमर कहेंगे. ठीक है, सो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज बेसिकली एन इंडेक्स विच मेजर्स द चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, जिसे यूज किया जाता है कंज्यूमर द्वारा फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. ए पर्टिकुलर टाइम में कितना चेंज हुआ प्राइसेस का, उसे हम यहाँ पर CPI कहते हैं. इट इज बेसिकली द रिलेटिव चेंज इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एंड बाकी एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कंज्यूमर का यूज करेगा तो ही इसको यहाँ पर काउंट किया जाएगा. ऑल राइट, नेक्स्ट पे बात करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज IIP. फर्स्ट ऑफ ऑल आइए जान लेते हैं IIP क्या होता है. द फुल फॉर्म ऑफ IIP गाइस इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इंडियन इकॉनमी इज वेरी एक्साइटिंग, इंडियन इकॉनमी प्रोडक्शन रेट इज ऑफ द चार्ट. मतलब मैंने बहुत तारीफ की. But if I want to actually make you believe that Indian economy is growing, then there is an index which will tell you and also me that what is the current state of the Indian industry, what is the current state of the Indian economy. So IIP or Index of Industrial Production is an index which measures and also indicates the economic activity इन द कंट्री. भारत में जो आर्थिक गतिविधि है, भारत में जो प्रोडक्शन का एक रेट है, ग्रोथ या डिक्लाइन, उसको जो इंडिकेट करती है, उसको जो मेजर करती है, उसका नाम दोस्तों है द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ऑलराइट, दिस पर्टिकुलर इंडेक्स इज पब्लिश्ड एवरी मंथ बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस. एंड ये एक तरह से जो लेवल है भारत में इंडस्ट्रीज का, उसको एक तरह से मेजर करती है. ऑलराइट, ये चीज आप यहाँ पर याद कर सकते हैं. एक चीज आपको यहाँ होमवर्क करना पड़ेगा कि इंडिया में 8 कोर सेक्टर्स हैं जिनमें आपका पेट्रोल आता है, नेचुरल गैस आता है, एल्युमिनियम आता है, फर्टिलाइजर्स आते हैं. तो ये सेक्टर इनके पार्ट होते हैं. द 8 कोर इंडस्ट्रीज आर अ पार्ट ऑफ दिस इंडेक्स एंड बाय मेजरिंग दिस पर्टिकुलर इंडेक्स हम ये चेक कर पाते हैं कि कितना भारत पे एक तरह से प्रेशर है. हाउ मच प्रेशर द इंडियन इकॉनमी इज फेसिंग, या कितना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडिया में आपका होता है. क्लियर हो गया ये आपको, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा 1, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिएगा 1. नेक्स्ट जो हमारा टर्म है दैट इज OFS, ये हमारा आज का दोस्तों नेक्स्ट टर्म है. अब सवाल ये बनेगा कि भाई ये OFS आपका होता क्या है, वॉट डू वी अंडरस्टैंड बाई OFS. तो सबसे पहले तो इसका आइए फुल फॉर्म देख लेते हैं. दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज ऑफर फॉर सेल. ओके, देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल हु लिव टू टाइप्स ऑफ लाइफ. ये है आम जिंदगी,
आर्म लाइफ, ऑर्डनरी लाइफ, एंड द अदर वन इज मेंटोर जिंदगी. ऑलराइट, आम जिंदगी मतलब दीज पीपल विल हैव स्मॉल परसेंटेज ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी. मेंटोर जिंदगी मीन्स दैट दीज इन्वेस्टर्स विल हैव अ लार्ज परसेंटेज ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी. क्लियर? अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये क्या है, स्मॉल मतलब लेस देन 10% एंड लार्ज मतलब मोर देन 10%. टू ऑल माई फ्रेंड्स फ्रॉम साउथ, मेंटोर जिंदगी मीन्स समवन हैविंग ऑल द रिचेस, ऑल द शेयर्स. आम जिंदगी मीन्स समवन हु हैज लेस अमाउंट ऑफ शेयर्स. ऑलराइट, नाउ देर इज एन ऑफर इन विच एनी इन्वेस्टर who owns more than 10% of a company share, he can sell his shares, his entire shares in a single day. ऐसा कोई इन्वेस्टर जो कि अपने जिसके शेयर्स 10% से ज़्यादा हैं, उसे वो एक दिन के अंदर बेच सकता है. और अगर एक ऐसा कोई ऑफर आता है, दैट ऑफर इज कॉल्ड एज द ऑफर फॉर सेल. फॉर एग्जाम्पल, एक्सिस बैंक जो है, ऑफकोर्स उसके अपने ही कंपनी में मैक्सिमम शेयर्स होंगे, तो इफ इट वॉन्ट्स इट कैन सेल इट्स एंटायर स्टेक ऑफ शेयर्स इन अ सिंगल डे. मतलब अगर उसको आज 5% शेयर्स बेचने हैं, तो उसको वो दो दिन नहीं बेचेगा, उसको आज ही वो सेल करके सेल को कंप्लीट कर देगा. सो एन ऑफर इन विच एनी इन्वेस्टर, एनी कंपनी हु ओन्स मोर दैन 10% इन दैट कंपनी, इट कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ शेयर्स इन अ सिंगल डे. द एंटायर प्रोसेस विल कम्प्लीट इन अ सिंगल डे. जनरली होता क्या है कि जनरली कम से कम लगते हैं 3 to 7 days. देर इज अ पीरियड ऑफ 3 to 7 days फॉर सेलिंग एंड बाइंग ऑफ शेयर्स. बट अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हो, एक ऐसे कंपनी के मालिक हो जिसमें आपके 10% से ज़्यादा शेयर हैं, यू कैन सेल दो शेयर्स इन अ सिंगल डे बिकॉज दिस ऑफर सेल. So, इस ऑफर का नाम है ऑफर फॉर सेल. क्लियर हो गया? कमेंट कर दीजिए जरा एक बार कमेंट में 1, ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको ये क्लियर हो गया. सबको क्लियर हो गया तो कमेंट कर दीजिएगा 1, जल्दी से लिखिएगा. ऑलराइट, चलिए, तो ये हमारा हेडलाइन था. अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट हेडलाइन गाइस. नेक्स्ट हेडलाइन है दैट इज रिगार्डिंग बोइंग. बोइंग जो है, इट हैज अपॉइंटेड सलील गुप्ता एज द इंडिया हेड. वो इंडिया ऑपरेशंस के हेड दोस्तों बनाए गए हैं. इनका नाम है सलील गुप्ता, एंड ही विल रिपोर्ट टू मार्क एलन, हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ बोइंग इंटरनेशनल, एंड ही विल जॉइन एज प्रेजिडेंट इन द बोइंग इंडिया टीम. और ये सिंपल सी खबर है, इन्हें बनाया गया है बोइंग इंडिया का. ही हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द बोइंग इंडिया. बोइंग, जो लोग नहीं जानते हैं, बोइंग इज़ अ US एयरक्राफ्ट मैनुफैक्चर कंपनी जो कि कई सारे आपके एयरक्राफ्ट को बनाती है. ज़्यादा इसमें आपके एग्जाम में नहीं आएगा. नेक्स्ट पर चलते हैं. सिद्धार्थ लाल, हु इज़ द MD CEO ऑफ आयुष्का मोटर्स, हैज़ बीन नेम्ड एज द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर फॉर 2018. 2018 का जो EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर है, उसका खिताब दिया गया है सिद्धार्थ लाल को. सिमिलरली इसी साल ये अवार्ड जो आपके होंगे, जो आपके हैं, इसमें अजीम प्रेमजी को मिला है, द चेयरमैन ऑफ विप्रो, उनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. तो यहाँ दो अवार्ड्स हैं EY इंडिया अवार्ड्स में. इनमें पहला जो आपका है, दैट इज सिद्धार्थ लाल, उन्हें MD CEO हैं आयुष्या मोटर्स के, उन्हें मिला है. एंड सेकेंड है अजीम प्रेम जी, जो बने हैं चेयरमैन ऑफ विप्रो, उनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. ये दो अवार्ड हैं, बाकी इसमें नहीं पढ़ना. EY का फुल फॉर्म है अर्न्स यंग, विच इज़ एन ऑडिट फर्म, विच इज़ अ वेरी फेमस ऑडिट फर्म इन द वर्ल्ड. इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये दो नाम को ही आपको यहाँ पर याद रखना है. बोइंग पूछ रहे हैं अंशी, बोइंग इज बेसिकली एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. अगर आपने एयर ट्रैवल किया है, तो इंडिया में जो मैक्सिमम आपके एयरक्राफ्ट्स हैं, ईदर बाय इंडिगो, बाय विस्तारा, बाय स्पाइस जेट, बाय एयर इंडिया, ये सारे के सारे जो हैं मैक्सिमम, वो आपके बोइंग के ही एयरक्राफ्ट्स हैं. ओके, एंड अब आते हैं हमारे आज के क्विज टाइम पे. ये रहा हमारा आज का पहला सवाल. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड 24/7 सैटेलाइट चैनल फॉर अरुणाचल प्रदेश. व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस चैनल? अरुणाचल के लिए एक 24/7 सैटेलाइट चैनल लॉन्च किया है मोदी जी ने. और दोस्तों इसका जो आंसर है, दैट इज़ DD अनुप्रभा.
नाउ गाइस डीडी अनुप्रभा जो है ये सेकंड चैनल है नॉर्थ ईस्ट का. इससे पहले ऑलरेडी एक बहुत ही वाइडर एरिया को कवर करने वाला डीडी नॉर्थ ईस्ट चैनल ऑलरेडी चल रहा है. सो ये एक सेकंड चैनल है नॉर्थ ईस्ट का जिसे यहाँ पर बनाया गया है. नाउ गाइस दिस ही इज़ ऑन अ विजिट टू स्टेट्स लाइक अरुणाचल, असम, त्रिपुरा और वहीं पर इन्होंने इस पर्टिकुलर चैनल को इनॉग्रेट किया. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. The Meghalaya cabinet has decided to rename the Dikibandi Stadium in Tura town after which of the following? इनमें से किस मशहूर व्यक्ति के लिए जो आपका दिकीबंदी स्टेडियम है तूरा टाउन में इन मेघालय उसे रीनेम किया जाएगा. एंड द आंसर इज इट इज़ पी ए संगमा. पी ए संगमा का पूरा नाम है पूर्णो ए संगमा एंड ही इज़ ऑल्सो अ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय. मेघालय के ये एक पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं. इनका नाम है पी ए संगमा, उनके नाम पर ही इसे रीनेम किया जाएगा. नेक्स्ट सवाल पर आते हैं. अ थ्री डे कृषि कुंभ वॉज ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द इनमें से कहाँ. एक तीन दिवसीय कृषि कुंभ इनमें से कहाँ पर दोस्तों ऑर्गेनाइज किया गया? मेघालय, मध्य प्रदेश, सिक्किम, बिहार या फिर असम. कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया आपका एक थ्री डे कुंभ? इज इट मेघालय, इज इट एमपी, इज इट सिक्किम, इज इट बिहार और इज इट असम? ये सवाल मेरा आपसे है दोस्तों. इसका जो आंसर आपके सामने है दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज़ बिहार. बिहार में इस कुंभ कृषि कुंभ को ऑर्गेनाइज किया गया है. नाउ गाइस दिस कृषि कुंभ वाज ऑर्गेनाइज वाज इनोग्रेटेड बाय लालजी टंडन एंड द एग्रीकल्चर मिनिस्टर राधा मोहन सिंह और ये आपका मोतिहारी बिहार में होगा. एंड दिस ऑब्जेक्टिव इज़ टू एक्चुअली प्रमोट टेक्निक्स फॉर एग्रीकल्चर एंड कैसे हम इनकम फार्मर्स की इनकम को डबल कर सकें उसके लिए ये आपका एक एक इवेंट आपका किया गया है. तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है. नेक्स्ट पे आते हैं. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, India has signed a letter of intent with the Ministry of Foreign Affairs - establishing the Marine Pollution Initiative. पहले सवाल समझिएगा. यहाँ पर एक वर्ड जो आपको समझना पड़ेगा दैट इज़ ये लेटर ऑफ इंटेंट. देखिए दो तरह के वर्ड्स होते हैं. वन इज एलओ आई एंड द अदर वन इज ईओ आई. ऑल राइट. एलओ आई का फुल फॉर्म आपके सामने है दैट इज लेटर ऑफ इंटेंट एंड द फुल फॉर्म ऑफ ईओ आई इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट. ऑल राइट. एलओ आई इज द इनिशियल इंटरेस्ट शोन बाय द सेलर. जब पहली बार फर्स्ट टाइम जब एक कोई सेलर है वो शो करेगा कि हमें इसको बेचना है. So when the first interest is shown by a seller, that is called as letter of intent. And when the second time, when it is a detailed interest, जहाँ पर ये भी जहाँ पर डिटेल में वो इंटरेस्ट शो करेगा, it is called as expression of interest. तो पहले आपका एल ओ आई होता है, सेकेंड आपका जो होता है दैट इज़ ई ओ आई होता है. ठीक है. तो सवाल यहाँ पर है कि इसका आंसर क्या. इसका जो आंसर आपके सामने है दैट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ नॉर्वे. नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो एंड करेंसी नॉर्वे की जो है वो है क्रोन. नॉर्वे ने इंटरेस्ट यहाँ पर शो किया है. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. महेश आनंद हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 57. ही वॉज अ नोटेड व्हाट. ये एक मशहूर क्या थे. वेल ही वॉज अ वेरी फेमस एक्टर. He played negative roles in the 90s. He played roles again with Amitabh Bachchan, Govinda and others. And इनका दोस्तों देहांत हो गया है. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. Among the following has made history by becoming the first female driver to win the MRF Challenge Star. इनमें से वो पहली महिला ड्राइवर कौन है जिन्होंने MRF Challenge टाइटल को जीता है by becoming the first female driver to actually win this particular title. The answer is it is option E, that is Jamie Chadwick. इन्होंने ही ये टाइटल जीता है द MRF चैलेंज. ये पहली फीमेल ड्राइवर है. शी इज 20 ईयर्स ओल्ड एंड इन्होंने जीता है एंड इट हैपन्ड इन चेन्नई. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. The 83rd edition of senior badminton championship was held at which of the following? इनमें से जो 83वां आपका एडिशन है सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का वो इनमें से किस शहर में हुआ? गुवाहाटी, अंबाला, चंडीगढ़, गैंगटॉक या फिर देहरादून? वेल द आंसर इज इट इज ऑप्शन ए, दैट इज गुवाहाटी. गुवाहाटी में दोस्तों आपका ये चैंपियनशिप हुआ है. वेल पिछले साल जो डिफेंडिंग चैंपियन थी वो सायना नेहवाल हैं और जो रनर अप थी वो पीवी सिंधु. वो इस बार भी इस चैंपियनशिप का हिस्सा ले रही हैं. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं.
The International Day of Women and Girls in Science is celebrated on. इनमें से किस दिन आपका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है महिलाओं का और लड़कियों का इन साइंस, इनमें से कौन सा वो दिन है दोस्तों? एंड द आंसर इज इट इज़ द 11th ऑफ फरवरी, 11 फरवरी को दोस्तों इसको मनाया जाता है. नेक्स्ट सवाल पे आते हैं. इन विच ईयर इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, सवाल हो ही गया इसका, किस साल इसको सेलिब्रेट किया गया था पहली बार? तो इसका जो आंसर है वो है 2016. और आते हैं हमारे आज के लास्ट सवाल पे. यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज अनाउंस्ड द डैश एज द मैस्कॉट ऑफ 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज फॉर द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, जो कि 2020 में होगा. इसका ये कल पूछा सवाल आपसे, इसमें वो बर्ड कौन सी है या वो कौन सा एक चीज़ है जिसे बनाया गया है मैस्कॉट? इसका दोस्तों जो आंसर आपके सामने है दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ओके, जाने से पहले एक बार ज़रा दिखा दें, इंस्टाग्राम पे हमारे आपके लिए कुछ है, ज़रा दिखा दें स्क्रीन पर. ऑन इंस्टाग्राम वी आर गिविंग अ फ्री गिवअवेज. इफ़ यू विल फॉलो आर करंट अफेयर्स @247 पेज, दैट इज़ उस पेज का नाम देख लीजिएगा, उस पेज का नाम है करंट अफेयर्स _247, ये उस पेज का नाम है. एंड इफ़ यू फॉलो दिस पेज द फर्स्ट 200 फॉलोअर्स ऑफ आर इंस्टाग्राम पेज विल बी गिवन फ्री गिवअवेज, एंड उनको फ्री में मुफ्त में गिवअवेज प्रोवाइड किए जाएंगे. एंड दोज विल बी बेसिकली टेस्ट मटीरियल्स और या फिर बुक्स, पर उसके लिए यू हैव टू फॉलो करंट अफेयर्स _247. वापस स्क्रीन पे आते हैं. सो गाइस, विद दिस वील कम टू एन एंड. कल फिर से आपसे मिलूंगा. आई होप कल आप लोग और लोग को बताओगे एंड और लोग यहाँ पर आएंगे एंड हम साथ में मिलकर इस बार एग्जामिनेशन को क्रैक करेंगे. विद दिस थैंक यू सो मच गाइस आपका आने के लिए. मिलता हूँ आपसे कल सुबह 8 बजे. एंड गाइज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल. सो बाय गाइज, टेक केयर एंड पीस आउट.